12 नवंबर 1995 दादर की जनसभा के बाद मुंबई में अपने होटल में रुके लाल कृष्ण आडवाणी के कमरे में उनका एक वरिष्ठ साथी तमतमाया हुआ घुसा और बोला, आपने ऐसा क्यों किया। उधर कुछ बरस पहले कांग्रेस में सोनिया गांधी का वफादार माने जाने वाला एक नेता बीजेपी के एक सांसद के कान में कुछ फुसफुसा रहा था और बाद में उसने दावा किया कि मैंने कान में जो कहा उससे ये तय हो गया कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। क्या ये सोनिया का गेम प्लान था? क्या है सच्चाई अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की, आडवाणी के बैक स्टेज जाने की? इन दोनों के बीच की दोस्ती दुश्मनी का सिलसिला क्या है और इसकी सच्चाइयाँ और इससे जुड़ी किंवदंतियाँ क्या हैं, ये सब बताएंगे आज। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ द्विवेदी, thelallantop.com पर आज पॉलिटिकल किस्सा अटल आडवाणी के साथ और अलगाव का। अटल आडवाणी के साथ की बात सब जानते हैं। 1950 का दौर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई, उस वक्त उनके स्टेनोग्राफर उनके सहयोगी थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो पठानकोट से वापस लौट आए थे। धीमे धीमे जनसंघ में उनका कद बढ़ता गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी उनका शानदार भाषण देना। इसकी वजह से उस समय आरएसएस का काम देख रहे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उर्फ गुरु गोलवलकर की नज़र में अटल की राजनीतिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा थीं, और तब उनके जिम्मे संघ के एक और प्रचारक को सौंपा गया। उसका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। 1957 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े, मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लखनऊ में वो दूसरे नंबर पर रहे और बलरामपुर से जीत गए। 33 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुंचे। अब तक उनकी छवि उग्र हिंदुत्व वाली छवि थी, ऐसे लड़के की छवि जो शाखाओं में बुलंद आवाज में गाता था, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। लेकिन जब वो नेहरू के आभा मंडल वाले लोकसभा में पहुंचा तो उसे समझ में आया कि संसदीय दायित्व कई बार आपकी मेधा को प्रखरता के साथ साथ तराशने का भी काम करते हैं, एक आपके विजन में संतुलन आ जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी इस दौरान लगातार उनके साथ रहे। जनसंघ में अध्यक्षों का दौर बदलता रहा, कभी मौलचंद शर्मा का नंबर आया, कभी बलराज मधोक, कभी रघुवीरा। बलराज मधोक और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच ठन गई। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी और उनके नानाजी देशमुख जैसे सहयोगी, दूसरी तरफ बलराज मधोक, जिनका ये दावा था कि उन्हीं के नेतृत्व में 1967 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ को अब तक की सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। इस पूरे विरोध का अंत हुआ 1973 में हुए कानपुर अधिवेशन में। भारतीय जनसंघ के इस अधिवेशन में अध्यक्ष बने लाल कृष्ण आडवाणी और बलराज मधोक को अनुशासनहीनता के इल्जाम में 3 बरस के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। अटल आडवाणी का साथ और मजबूत हो गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनसंघ का जो धड़ा था, जिसके सबसे ज्यादा सांसद जीत के आए थे जनता पार्टी के ब्लॉक में, उससे 3 लोग कैबिनेट मंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और ब्रजलाल वर्मा। लाल कृष्ण आडवाणी को उस वक्त इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दी गई। तभी उनका वो मशहूर बयान भी आया था जो उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होकर कहा था कि आप लोगों को तो झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन आप लोग तो रेंगने ही लगे। विदेश मंत्री का पद मिला अटल बिहारी वाजपेयी को। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की यात्राएं की। इसी दौरान उन्होंने यूएन में हिंदी में भाषण भी दिया, जिसका आखिरी प्रबंध था, जय जगत, यानी कि पूरी दुनिया की जय हो। जैसा कि भारतीय संस्कृत में कहा भी गया है, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी धरती ही मेरा परिवार है। परिवार की बात आई तो बात आई संघ की, जिससे जुड़ाव को लेकर जनता पार्टी के समाजवादी धड़े के नेता असुरक्षित महसूस कर रहे थे। मधु दंडवते जैसे नेताओं का ये इल्ज़ाम था कि जनसंघ से जनता पार्टी में आए नेताओं को अपनी दोहरी सदस्यता छोड़नी होगी। अलगाव की और भी वजहें थीं, मसलन 3-3 प्रधानमंत्री पद के दावेदार, एक तो खुद प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई, दूसरा उनको अपदस्थ करने की कोशिश में लगे चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। जनता पार्टी को टूटना था, जनता पार्टी टूटी। साल था 1980, एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया जिसमें 17-14 के बहुमत से ये फैसला किया गया कि जनसंघ से आए नेताओं को बाहर कर दिया जाए, और उसी साल भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, संगठन की जिम्मेदारी आडवाणी ने संभाली, और तभी वो मशहूर नारा दिया गया, सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा,
कमल खिलेगा। अटल आडवाणी की जोड़ी लगातार काम करती रही। 1984 में पहली मर्तबा चुनाव में उतरे और सीटें आईं दो। अटल बिहारी वाजपेयी खुद ग्वालियर से चुनाव हार गए और इसके बाद पार्टी में मांग उठने लगी अटल को अध्यक्ष के पद से हटाने की। संघ का दबाव था, कहते तो ये भी हैं कि 1984 में संघ ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग नहीं दिया था। बताया ये भी जाता है कि कभी अटल बिहारी वाजपेयी के कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी रणनीतियां बनाने वाले नानाजी देशमुख ने अपने ग्राम प्रवास के दौरान ही बयान दिया था कि हिंदुओं का ये धर्म बनता है कि वो इंदिरा गांधी के पक्ष में, उनकी पार्टी के पक्ष में वोट दें। सहानुभूति की लहर चल रही थी, राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत मिला और बीजेपी ने अपनी इस हार में नेतृत्व परिवर्तन के सुर तलाशने शुरू कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी को समझ में आ गया कि उन्हें पद छोड़ना होगा। उन्होंने पद छोड़ा, कमान लालकृष्ण आडवाणी के हाथ आई। 86-87 का दौर, आडवाणी ने नए सिरे से संगठन की चूर्ण कसना शुरू की। उन्हें संघ और विश्व हिंदू परिषद का भी भरपूर सहयोग मिला। राम जन्मभूमि का आंदोलन सर पकड़ रहा था, कार सेवकों को बार बार अयोध्या बुलाया जा रहा था और संघ और हिंदू ब्रिगेड के लिए चीजें आसान इसलिए भी हो गई थी क्योंकि उनका मुकाबला था राजीव गांधी से, जो तुष्टीकरण के एक ऐसे पेंडुलम पे सवार हो गए थे जो एक बार मुस्लिमों की तरफ झूलता था, एक बार हिंदुओं की तरफ। दरअसल वो ना मुस्लिमों की तरफ झूलता था ना हिंदुओं की, वो हर बार कट्टरपंथियों को पुचकारने की कवायद करता था। शाह बानो प्रकरण में राजीव गांधी कठमुल्लाओं के दबाव में आ गए और संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किनारे रख के, और फिर हिंदुओं की संतुष्टि के लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन का ताला खुलवाने की राह दुरुस्त कर दी। राजीव गांधी खुद को बड़ा राम भक्त साबित करना चाहते थे। कितना बड़ा, इसे यूँ समझ लीजिए कि 1989 के चुनाव में उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत अयोध्या से की थी। लेकिन बीजेपी और संघ खुद को बड़ा राम भक्त साबित कर चुके थे और उनके टैली 2 से बढ़कर 85 की हो गई थी। इसमें एक बड़ा योगदान विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में हो रहे कांग्रेस विरोधी आंदोलन का भी था। जनता दल और बीजेपी ने प्रकट रूप से कोई समझौता नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश और तमाम दूसरे उत्तरी राज्यों में एक टैक्टिकल अलायंस किया ताकि एक दूसरे के ज़्यादा वोट ना काटे जाएं। जब सीटें 2 से 85 पहुंच गई तो आडवाणी का कद भी बढ़ गया। साल 1991 आया और सीटें 100 के पार चली गई। आडवाणी का कद और बड़ा हो गया और तब ये तय किया गया कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी होंगे। किसने तय किया ये? ये तय किया उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया ने। संगठन के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी को ये संदेश भेज दिया गया। आडवाणी के लिए बड़ी असहज करने वाली स्थिति थी। तमाम जिंदगी जिस नेता के पीछे चले, जिसको अपना नेता बताया, अब उसी को अपदस्थ करके उन्हें नेता प्रतिपक्ष का रोल अदा करना था। काबीना मंत्री की हैसियत होती है नेता प्रतिपक्ष की। अटल बिहारी वाजपेयी समझ गए कि पार्टी के मौजूदा संगठन में, मौजूदा तेवरों में उनकी ज़्यादा भूमिका नहीं है। यही वो दौर था जब ये इस तरीके की अटकलें भी चल रही थी कि शायद अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी छोड़ दें, जनता दल के लोगों के साथ चले जाएं, जन मोर्चा के साथ जुड़ जाएं। खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि जब वो अटल बिहारी से मिले तो अटल बिहारी ने सिर्फ इतना कहा, सक्षम लोगों को लेकर आगे बढ़िए। उन्होंने खुद की संलिप्तता के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं किया। 1991 का दौर, राम जन्मभूमि आंदोलन, उसके पहले मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलवा चुके थे। उसके बाद के राम भक्त के ज्वार में आंदोलन में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ गई थी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया तो दिल्ली में बैठी नरसिम्हा राव की सरकार ने कल्याण सिंह को बर्खास्त कर दिया। हालांकि कल्याण सिंह का दावा यह है कि नरसिम्हा राव के बर्खास्त करने के पहले ही वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे चुके थे। इस इस्तीफे के बहुत चर्चे होते हैं क्योंकि इसके एक हफ्ते बाद ही नरसिम्हा राव की सरकार ने दंगों का इल्ज़ाम लगाकर, ये कहकर कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया था। एक इस्तीफा और हुआ था जिसका ज़्यादा जिक्र नहीं होता है। ये इस्तीफा लालकृष्ण आडवाणी का था जो उस समय नेता प्रतिपक्ष के पद पर थे। आडवाणी ने जब ये इस्तीफा दिया तो राह खुली अटल बिहारी वाजपेयी की और वो नेता प्रतिपक्ष बन गए। लेकिन भगवा खेमा अभी भी आडवाणी की अगुवाई में ही आगे बढ़ रहा था। चीज़ें चलती रहीं। नरसिम्हा राव पहले तो आर्थिक उदारीकरण लेकर आए,
फिर अपनी सरकार को बचाने के लिए एक नए किस्म का सूटकेस उदारीकरण लेकर आए, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और जनता दल के एक धड़े को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए। मामला अदालतों में चला, कुछ दोषी हुए, कुछ बरी हुए और कुछ मामले डब्बा बंद हो गए। लेकिन पूरे सूबे में, पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर बनप रही थी। कांग्रेस को बांध कर रखने के लिए जिस गोंद की, जिस गांधी परिवार की ज़रूरत थी, वो कांग्रेस के कोठरीबाजों की तमाम याचनाओं के बावजूद सत्ता के नेपथ्य से आगे आने को तैयार नहीं था। बात सोनिया गांधी की हो रही है, नरसिम्हा राव चीज़ें संभाल रहे थे, गांधी परिवार भी उनसे नाराज़ था और देश में भी उनके खिलाफ सेंटिमेंट बनता जा रहा था। रोज नए घोटाले सामने आ रहे थे। खुद उनकी पार्टी में कभी शरद पवार तो कभी अजीत सिंह तो कभी नारायण दत्त तिवारी नाराज रहते थे। ऐसे में माहौल ये बनने लगा था कि अब कांग्रेस के जाने की बेरा आ गई है। और तब बीजेपी ने 11 से 13 नवंबर को मुंबई में अपना अधिवेशन किया। किस्सा यहां से करवट लेता है। प्रमोद महाजन के शानदार इंतजाम, महालक्ष्मी रेस कोर्स में बीजेपी की मीटिंग चल रही है। 11 तारीख को मीटिंग हो गई, 12 तारीख को दादर के शिवाजी पार्क में बीजेपी की तरफ से एक रैली, सारे नेता पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी भी अपना भाषण दे चुके थे। आखिरी में बारी थी लाल कृष्ण आडवाणी की, जो मुरली मनोहर जोशी के कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। आडवाणी खड़े हुए, तमाम उपलब्धियां गिनाई अपनी सरकारों की जो राज्यों में अलग अलग समय में सत्ता पर काबिज रही थी, और आखिर में बोले, देश पिछले कुछ बरस से कोरस में एक नारा सुन रहा है, अब की बारी अटल बिहारी। अटल बिहारी का वक्त आ गया है, वक्त आ गया है जब मैं बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये ऐलान करूं कि 1996 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे अटल बिहारी वाजपेयी। वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक बार भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, और कुछ सेकंड के पॉज के बाद, पॉज जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी कुख्यात या विख्यात थे, भीड़ ने तालियां पीटना शुरू कर दिया। आडवाणी इस ऐलान के बाद नीचे बैठे तो अटल ने कहा, नहीं नहीं, प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी तो आडवाणी जी ही होंगे। आडवाणी ने प्रतिवाद किया और बोले, बतौर अध्यक्ष मैं ऐलान कर चुका हूं और अब इसमें तब्दीली नहीं हो जाती। बाद में जब दोनों नेता मिले तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पूछा अपने अंदाज में, ये क्या कर दिया, मुझसे तो पूछ लेते। और आडवाणी ने भी उसी स्मित के साथ जवाब दिया, यदि आपसे पूछता तो क्या आप मान जाते। अब चलते हैं उस रात की तरफ, रैली के बाद की रात। मुंबई के अपने होटल में लालकृष्ण आडवाणी रुके हुए थे और उनके सहयोगी बीजेपी के सबसे ताकतवर महासचिव, संगठन महासचिव KN गोविंदाचार्य गुस्से में उनके कमरे में घुसे और पहला सवाल बिना किसी प्रस्तावना, बिना किसी भूमिका के यही पूछा, ये क्या कर दिया आपने। आडवाणी ने जवाब दिया, मुझे यही करना ठीक लगा। KN गोविंदाचार्य ने कहा, आपको इतना बड़ा ऐलान करने से पहले संगठन और संघ के साथ सलाह करनी चाहिए थी। आडवाणी ने जवाब दिया, यदि ऐसा करता तो ये मुमकिन नहीं हो पाता। और कहानी में प्रवेश होता है सोनिया गांधी के वफादार एक कांग्रेसी किरदार का। किरदार का नाम माखनलाल फोतेदार, नेहरू गांधी परिवार का करीबी। माखनलाल फोतेदार अपनी किताब द चिनार लीव्स में ये दावा करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को PM कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करने का सुझाव दरअसल उनका था। फोतेदार बताते हैं कि सांसद रहते हुए उनकी दोस्ती बीजेपी के सांसद कृष्णलाल शर्मा से हो गई। दोनों गाढ़े दोस्त हो गए तो कृष्णलाल शर्मा कभी कभार फोतेदार के सामने, संगठन के सामने आने वाली फौरी मुश्किलों का जिक्र करने लगे। और तब बात आई कि बीजेपी चुनाव में अगर PM कैंडिडेट के साथ जाए तो उसको बढ़त हासिल होगी, क्योंकि इस वक्त देश में कोई भी कद्दावर नेता नहीं है जिसकी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपील हो। जाहिर सी बात है कि कृष्णलाल शर्मा चाहते थे कि उनके नेता, जिस खेमे में उनका नाम गिना जाता है, आडवाणी आगे बढ़ें। लेकिन फोतेदार का कुछ और सुझाव था। फोतेदार ने कृष्णलाल शर्मा को समझाया कि आडवाणी जिस वोट बैंक से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उस जाति की बहुतायत नहीं है। आडवाणी शानदार वक्ता भी नहीं है। आडवाणी की राम मंदिर आंदोलन के चलते हार्डलाइनर की छवि है और फिलहाल तो बीजेपी अपने दम पर 272 का आंकड़ा पाती नहीं दिखती। ऐसे में आडवाणी पर दाव लगाना बेवकूफ़ी होगी। माखनलाल फोतेदार ये दावा करते हैं कि कई मीटिंग्स के बाद वो कृष्णलाल शर्मा को ये समझाने में सफल हो गए कि यदि बीजेपी को
सत्ता के दरवाजे पर सफलतापूर्वक दस्तक देनी है, न सिर्फ दस्तक देनी है बल्कि खुलवाना भी है, उस दरवाजे को भीतर भी जाना है और राजप्रसाद में अपना बसेरा करना है, तो सबसे मुफीद कैंडिडेट होगा अटल बिहारी वाजपेयी। फोतेदार के मुताबिक कृष्णलाल शर्मा ने आडवाणी को ये बात समझाई और तब आडवाणी ने दादर में रैली के दौरान ये ऐलान कर दिया, अब की बारी अटल बिहारी। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, ऐलान के 2 महीने के भीतर लाल कृष्ण आडवाणी का नाम उनकी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा एक ऐसे आपराधिक मामले में आया जिसको लेकर वो कतई गर्व महसूस नहीं कर सकते थे। आडवाणी का नाम राम मंदिर आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में भी आया, पर उसको ये लोग एक बैच ऑफ ऑनर की तरह प्रदर्शित किया करते थे, ये नारा लगाया करते थे बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। लेकिन अब की बारी करप्शन की थी। दरअसल एक हवाला कारोबारी पकड़ा गया था जैन नाम का और उसकी डायरी में 115 एंट्रियां थी। एक एंट्री कथित तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी के नाम की भी थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और ये ऐलान किया कि जब तक वो इस आरोप से बरी नहीं हो जाएंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। संघ के तमाम दबाव के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी 1996 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़े। अटल बिहारी वाजपेयी भी चाहते थे कि आडवाणी चुनाव लड़ें, आडवाणी नहीं माने और 1998 में जब वो इन इल्ज़ामों से बरी हो गए उसके बाद ही वो वापस गुजरात की अपनी गांधीनगर की सीट पर गए। अटल और आडवाणी की जुगलबंदी चलती रही। 1998 में वो लोग 13 महीने के लिए सरकार बनाने में सफल रहे, 1996 में 13 दिन के लिए और 1999 में तो NDA को बाकायदा पूरा बहुमत मिला और उसे किसी अम्मा या ममता की बैसाखियों की उतनी ज़रूरत नहीं रही, हालांकि ममता बनर्जी सत्ता में साझेदार थी। लेकिन 2 बरस बीतते ना बीतते सुर बदलने लगे संघ के, संगठन के, और इस तरीके की कवायद की जाने लगी कि अब अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री का पद छोड़कर राष्ट्रपति बन जाना चाहिए और उनकी जगह आडवाणी को आना चाहिए। इसी की प्रस्तावना के तौर पर आडवाणी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, एक पद जो लंबे अरसे से नहीं किया गया था, जिसकी कोई संवैधानिक महत्ता नहीं है, बस एक नंबर 2 की हैसियत को ठीक से स्थापित करने के लिए इसे ईजाद कर लिया गया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी यूं ही सियासत के चाणक्य नहीं कहे जाते हैं, यूं ही नरसिम्हा राव उनको अपना राजनीतिक गुरु नहीं कहते थे। पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए संसद के ही परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी ने अचानक ऐलान कर दिया, न टायर्ड न रिटायर्ड आडवाणी जी के नेतृत्व में विजय की ओर प्रस्थान। सब अकबका गए। दरअसल कोई भी अटल के इस औचक हमले के लिए तैयार नहीं था और संघ और संगठन को मजबूरन ये ऐलान करना पड़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी का ना तो कोई विकल्प है और ना ही उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की कोई योजना। साल 2004 तक अटल निर्विवाद सरकार चलाते रहे। संघ के तमाम दबावों के बावजूद उनकी कोठरी पर इल्जाम लगते रहे और आडवाणी अपनी बारी का इंतजार करते रहे। 2005 में मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी ने आखिरकार अपना बैटन आडवाणी को सौंपा और ये ऐलान किया कि अब आडवाणी प्रमोद महाजन BJP के राम लक्ष्मण हैं और वही इसको वापस सत्ता तक लेकर जाएंगे। अटल की तबीयत खराब रहने लगी थी और 2009 के स्ट्रोक के बाद तो वो बोलने में भी सक्षम नहीं है और आडवाणी वो 2009 के चुनाव में उतरे PM इन वेटिंग के खुद ही ईजाद किए पद के साथ, जो अब तक उन्हें चिढ़ाता है या शायद सालता होगा। आखिर में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण की वो पंक्तियां याद आ रही हैं जो गालिब से उन्होंने उधार ली थी। हालांकि मौका कुछ और था, मौका था मनमोहन सिंह के ऐतिहासिक भाषण पर हो रही चर्चा का, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी उदारीकरण की नीतियों की खिल्लियां उड़ाते हुए कहते हैं कि लोग TV पर सुंदर चेहरों को सर पर शैम्पू रगड़ते देखेंगे और वो अपने बची हुई पूंजी से अनाज खरीदने के बजाय शैम्पू खरीदेंगे। इस पर एक विपक्षी ने कहा साहब शैम्पू की शैम्पेन, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दंज कसा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। पर यह प्रकरण नहीं, प्रकरण इसके बाद आता है जब अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह पर चोट करते हुए कहते हैं आ को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आडवाणी को ये शेर शायद याद आता हो, कितना इंतजार किया सत्ता के लिए, पहले अटल बिहारी वाजपेयी को आगे कर दिया, फिर जब अपनी बारी आई तो जीत नहीं सके और जब लगा कि अब तो बारी आ ही गई है तो खुद उन्हीं के राजनीतिक शिष्य ने उनको लंगड़ी लगा दी और आगे आ गया और अब
आडवाणी मार्गदर्शन मंडल में बैठे ये अफसोस करते हैं कि काश सिंध भी भारत का हिस्सा होता। एक टीस है इस बयान के पीछे कि यदि सिंध भारत का हिस्सा होता तो सिंधी उस तरह अल्पसंख्यक नहीं होते और शायद लाल कृष्ण आडवाणी के पॉलिटिकल सीवी में पूर्व उप प्रधानमंत्री भरना लिखा होता। सियासत ऐसी ही होती है, तमाम जिंदगी जिस पद की चाह करें वो नहीं मिलता है और जिन्हें मिलना होता है उन्हें आंध्रा भवन में रात के 2 बजे जगा के अचानक कह दिया जाता है, उठिए आपको प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी है। मैं बात कर रहा हूँ इंद्र कुमार गुजराल की, जिनका किस्सा फिर कभी और भी अफसाने सुनाए जाएंगे उन नेताओं के जिन्हें नियति ने अचानक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। किस्से उनके भी आएंगे जो पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे उसके बावजूद मन चाहा पद नहीं पा पाए, तमाम काबिलियत के बावजूद। thelallantop.com पर सियासत के कुछ ऐसे ही चीन है अनचीन है किस्सों के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।